साथियों, आपके चौकीदार की सरकार ने जो हासिल किया है वो तब और साफ हो जाएगा जब 2014 से पहले के भारत यानी आपके इस चौकीदार के आने से पहले की स्थिति से जब आप तुलना करेंगे। जरा एक बार उन पुराने दिनों को जरा याद करिए और मुझे बताइए, इन महामिलावटी लोगों की सरकार जब दिल्ली में थी तब देश में आए दिन बम धमाके होते थे कि नहीं होते थे? मैं दोबारा पूछूं, जब ये महामिलावटी लोग बैठे थे दिल्ली सरकार में तब आए दिन देश में अलग अलग कोने में बम धमाके होते थे कि नहीं होते थे? ये महामिलावटी आतंकियों को संरक्षण देते थे कि नहीं देते थे? ये आतंकियों की भी जात और उनकी पहचान देखते थे कि नहीं देखते थे? उसके आधार पर तय करते थे कि आतंकी को बचाना है या सजा देनी है? बताइए भाइयों, ऐसा होता था कि नहीं होता था? मुझे बताया गया है कि यहां मेरठ में जो विरोधी दलों के उम्मीदवार हैं, उन्होंने आतंकवादियों के लिए करोड़ों रुपए के इनाम तक का ऐलान कर दिया था, याद है ना? आतंकवादियों को करोड़ों का इनाम। सोचिए, महामिलावट के लिए लोग किस हद तक जा सकते हैं? ये महामिलावटी लोग भ्रष्टाचारियों के साथ है कि नहीं है भाई? ये लोग भ्रष्टाचारियों के साथ है कि नहीं है? महामिलावटियों के राज में बेटियों को इंसाफ मिलता था क्या? मेरठ वाले तो बराबर जानते हैं, क्या बेटियों को इंसाफ मिलता था क्या? इनकी सरकार में गुंडे और बदमाश बेलगाम थे कि नहीं थे? क्या ऐसी महामिलावट के हाथ में देश सुरक्षित रहेगा? देश सुरक्षित रहेगा? देश सुरक्षित रहेगा? साथियों, मेरठ और पश्चिमी यूपी तो इनके कारनामों को भुगत चुका है। जब से योगी जी की सरकार आई है, तब से गुंडों और बदमाशों में डर है, भय है। बेटियों के साथ अत्याचार करने वाले आज 100 बार सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? क्योंकि आपके इस चौकीदार ने ऐसे लोगों को फांसी तक का प्रावधान कर लिया है। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम सभी मिलकर बीते 5 वर्षों में भारत को जिस स्थिति से निकाल कर लाए हैं इसको और मजबूत करना है। देश को और मजबूत करना है कि नहीं करना है? देश मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मजबूत देश के लिए मजबूत सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर
इन महामिलावटी लोगों को ये जरा बराबर उत्तर प्रदेश के लोग समझ लें, अगर इन महामिलावटी लोगों को जरा भी मौका मिल गया तो ये देश उस पुरानी स्थिति में जाने में जरा भी देर नहीं लगने वाली। ये कितने बेचैन हैं, कितने बौखलाए हैं, ये दो महीने से देश बहुत साफ साफ देख रहा है। भाइयों और बहनों, आज स्थिति है कि कुछ दिन पहले तक जो लोग इस चौकीदार को चुनौती देते फिरते थे, अब रोते फिर रहे हैं। मोदी ने ये क्यों किया, मोदी ने वो क्यों किया, ये मोदी ने पाकिस्तान में आतंकियों को घर में घुसकर क्यों मारा, ये मोदी ने आतंकियों के अड्डे को नष्ट क्यों किया, रो रहे हैं। साथियों, एक गंभीर बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। ये सारे महामिलावटी लोग आज कौन पाकिस्तान में ज्यादा पॉपुलर होगा, कौन पाकिस्तान में हीरो बनेगा, इसकी स्पर्धा में लग गए हैं। वहां की मीडिया में छाए हुए हैं, उनके नाम की पाकिस्तान में तालियां बज रही है। भाइयों बहनों, आप ही बताइए, देश को हिंदुस्तान के हीरो चाहिए या पाकिस्तान के? हिंदुस्तान के हीरो चाहिए या पाकिस्तान के? मेरे प्यारे देशवासियों, मैं 130 करोड़ देशवासियों से पूछना चाहता हूं, क्या हमें सबूत चाहिए कि हमें सपूत चाहिए? मेरे देश के सपूत, यही मेरे देश का सबसे बड़ा सबूत है। जो सबूत मांगते हैं वो सपूत को ललकारते हैं। साथियों, 26 फरवरी की वो तारीख जिसके बारे में सोचकर भी आतंक के सरपरस्तों की रूह कांप रही है, लेकिन पल भर के लिए सोचिए मेरे मेरठवासी, जरा सोचिए कि 26 फरवरी को हमारे देश के वीर सैनिकों ने पराक्रम किया, अगर उसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाती तो क्या होता? थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता तो ये लोग मेरे साथ क्या करते? पुतले जलाते कि नहीं जलाते? मुझे नोच डालते कि नहीं डालते? मेरा इस्तीफा मांगते कि नहीं मांगते? काले झंडे निकालते कि नहीं निकालते? दुनिया भर की गालियां देते कि नहीं देते? भाइयों बहनों, आप बताइए, ये कोई चुप नहीं बैठते। और अगर ऐसा होता तो सारा दोष किसको देते? किसको देते?
मोदी को ही देते ना, देते कि नहीं देते? भाइयों और बहनों, आप आश्वस्त रहिए, मैं देश के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार रहने वाला व्यक्ति हूं। कोई भी राजनीतिक दबाव, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव आपके इस चौकीदार को डिगा नहीं पाएगा और न ही कोई इस चौकीदार को डरा पाएगा। मैं किसी तरह का बोझ लेकर के नहीं चलता, और बोझ रखूं भी क्यों, मेरे पास अपना है भी क्या? जो कुछ भी है वो तो देश का दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है। जो देश ने दिया, जितना दिया है वो बहुत कुछ है।